भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रवां माह के आखिर में पाकिस्तान की मेजबानी में शुरू होने वाले एशिया कप के लिए खिलाड़ियों की रूनुमाई कर दी। बीसीसीआई ने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए टीम के खिलाड़ियों का ऐलान किया, जिसके मुताबिक 17 रुकनी स्क्वाड में ओपनर के एल राहुल और तवील अरसा से इंजरी के शिकार मीडियम पेसर जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेलेक्टर्स के नए चेयरमैन अजीत अगारकर ने स्क्वाड का ऐलान किया। स्क्वाड में तिलक वर्मा को भी शामिल किया गया है, जो अब तक कोई वनडे मैच नहीं खेले, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा को भी मौका दिया गया है। इनके अलावा मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और शार्दिल ठाकुर भी भारतीय स्क्वाड का हिस्सा होंगे। साबिक क्रिकेटर और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी अजीत अगारकर ने कहा कि दौरा वेस्टइंडीज के दौरान अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा करने पर तिलक वर्मा को टीम में जगह दी गई है। उम्मीद है बाएं हाथ के बैटर हमें मायूस नहीं करेंगे। दूसरी जानिब भारतीय स्क्वाड में तजुर्बाकार लेग स्पिनर युवेंद्रा चहल को स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया, जबकि इनकी जगह कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। वो रविंदर जडेजा और अक्षर पटेल के हमरा भारतीय स्पिन अटैक में शामिल होंगे। एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वाड कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गुल, विकेटकीपर अशांत किशन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, तिलक वर्मा, सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शामी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा पर मुश्तमिल होगा। दूसरी जानिब साबिक भारतीय खिलाड़ियों ने स्क्वाड के इंतखाब को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। साबिक ऑलराउंडर मदन लाल ने कहा है कि सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट को केएल राहुल की फिटनेस का यकीन ही नहीं, इनको क्या इंजरी है इसकी वजाहत करनी चाहिए। श्रेयस अय्यर की फिटनेस का भी यकीन नहीं है, इन दोनों ने मुकाबले की क्रिकेट नहीं खेली हुई। क्रिकेटर्स को मैच फिटनेस साबित करने पर स्क्वाड में शामिल करना चाहिए था। साबिक भारतीय क्रिकेटर सौरभ गंगोली ने कहा कि मैं होता तो हर सूरत में चहल को टीम में मुंतखब करता। भारत के साबिक फास्ट बॉलर इरफान पठान का कहना था कि जसप्रीत बुमराह और परसद कृष्णा एक वक्फे के बाद टीम में आ रहे हैं, ये परेशान कुन बात है। अब भारत को एक इजाफी बॉलर के साथ खेलना होगा जो बैटिंग भी कर सकता हो। मेरे स्क्वाड में चहल जरूर होता। संजय मंजेकर ने कहा कि मुझे केएल राहुल की सिलेक्शन पर फिक्रमंदी है, वो फिट नहीं है, इन्हें अभी ज्यादा से ज्यादा मैचेस खेलने की जरूरत है। एशिया कप का आगाज 30 अगस्त से हो रहा है। पाकिस्तान और श्रीलंका में होने वाले एशिया कप में पहला मुकाबला पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के दरमियान मुल्तान में होगा, जबकि पाकिस्तान और भारत की टीमें 2 सितम्बर को आमने सामने होंगी।